स्टडी आई क्यू आई एस अब तैयारी हुई अफोर्डेबल नमस्ते चलिए आज मैं आपको एक ऐसे एंटिटी के बारे में बताती हूँ जिसका एक प्रोडक्ट है प्रोडक्ट के पीछे विजन है और प्रोडक्ट को बेचने के लिए सेल्स टीम है मार्केटिंग टीम है फाइनेंस टीम है उसके साथ एच टीम भी है अब ये एंटिटी का अगर मैंने आपको पूछा कि एक्चुअली है क्या तो आप मेरे को एग्जाम्पल में दोगे स्टार्टअप का कोई नाम या कोई बिजनेस हाउस या कोई इंडस्ट्री या कोई कॉर्पोरेट का नाम बट स्ट्रेंजली आज के दिन टेरर ऑर्गेनाइजेशन भी यही ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर फॉलो कर रही है ये चेंज होता है आइसिस के आबाद आइसिस जो था वो अलकायदा से बहुत डिफरेंट था ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में अब अलकायदा या जो प्रीवियस तालिबान था वो एक पिरामिडिकल स्ट्रक्चर फॉलो करता था जहां पे एक लीडर था लीडर के चार पांच क्लोज़ कॉन्फिडेंस थे उसके बाद था पूरा फॉलोअर्स का ग्रुप जो कमांड भी जाता था लाइन ऑफ कमांड था वो काफ़ी लीनियर था जो भी लीडर बोलता था वो लीनियर वे फॉलो किया जाता था बट आईसिस इसको बदल देता है आईसिस लेके आता है एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और यहाँ से शुरू होती है टेरर ऑर्गेनाइजेशन का ये एक बदलाव शुरू हो जाता है टू बिकम मोर एंड मोर लाइक कारपोरेट्स आज के दिन अगर हम बात करते हैं नाइजीरिया के बोको हराम का या जो नया तालिबान आया है अफगानिस्तान में या हम बात करते हैं आइसिस जो आज के दिन है नहीं, पर रिवाइवल तो हो ही रहा है या हम बात करते हैं ड्रग कार्टिल्स इन कोलंबिया का सभी धीरे धीरे प्रोफेशनल हो रहे हैं सभी धीरे धीरे ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को ऑप्ट कर रहे हैं एंड दे आर ट्राइंग टू बिकम कारपोरेटाइज तो आज इस वीडियो के माध्यम में हम यही समझने वाले हैं कि कैसे टेरर ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है वो बदल रहा है और कहां से मिल रही है उनको इतनी फंडिंग टू एक्चुअली ट्रांसफॉर्म इन टू कॉर्पोरेट इससे पहले वन टू ब्रिंग टू योर अटेंशन प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच सिल्वर गोल्ड और प्लेटीनियम सिल्वर में आपको एक्सेस मिलता है अठारह महीने का गोल्ड में आपको मिलता है तीस महीने का प्लेटीनियम में आपको मिलता है फोर्टी टू मंथ्स का किसका एक्सेस आपको लाइव लेक्चर्स बाय द बेस्ट फैकल्टी डेली आंसर राइटिंग मेंटरशिप हैंड रिटन नोट्स क्रक्स आप यू आर जस्ट हैव टू सी द फीचर्स तो इसीलिए मैं बार बार बोलती हूँ जाइए एक बार स्टडी आई क्यू के वेबसाइट में जाइए वेबसाइट में फीचर्स देख के आप खुद डिसाइड करिए कि ये कोर्सेस कितना बेनिफिशियल होगा आपके यूपीएससी जर्नी के लिए और अगर आपने ये कोड यूज किया डी डब्ल्यू लाइव डी डब्ल्यू एल आई इस कोड के साथ आपको काफी अट्रैक्टिव डिस्काउंट्स मिलेगा जो इन कोर्सेस को बजट फ्रेंडली बना लेता है पॉकेट फ्रेंडली बना देता है चलिए आते हैं अब अगर मैंने ये आपको दिखाया और मैंने बोला कि ये एक कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का वे ऑफ वर्किंग है तो आपका सबसे पहला आएगा कि एक स्टार्टअप यूजुअली ऐसे आ, बनता है तो चलिए पहले समझते हैं एक स्टार्टअप के एग्जाम्पल से तो आज आप और मैं एक स्टार्टअप बनाते हैं आ, कारा बोल के सी ए आर ए और कारा एग्जाम्पल की तरह लेते हैं कि एक आ, ब्यूटी का प्रोडक्ट लेके आता है मुल्तानी मिट्टी के बेसिस में और हम इनको बेचना चाहते हैं फॉरन में ठीक है यूएस में बेचना चाहते हैं इस मुल्तानी मिट्टी ब्यूटी प्रोडक्ट को और आ, इसको ये भी हम ये इसके विजन में हम ये लेके आते हैं कि ये विजन है कि भाई देश की मिट्टी से बना हुआ एक सौंदर्य प्रोडक्ट और ये हम मार्केट कर रहे हैं टू तो द इंडियन डायस्पोर तो प्रोडक्ट आ गया हाथ में एक विजन आ गया हमारे हाथ में इसके बाद हम क्या करेंगे सबसे पहले सबसे पहले तो हमने प्रोडक्ट बना लिया प्रोडक्ट को बेचने के लिए हमें चाहिए फाइनेंस सबसे पहले तो फंडिंग चाहिए होगी क्यों क्योंकि फंड से ही आएगा कि हम किसी और को रिक्रूट कर पाएंगे दूसरे डिवीजन में तो पहले राउंड ऑफ इन्वेस्टमेंट आएगा एंजल इन्वेस्टर्स आ जाए तो एंजल इन्वेस्टर फर्स्ट राउंड ऑफ इन्वेस्टमेंट आया पैसे आने के बाद इमीडिएटली आपने क्या किया रिक्रूट करना शुरू किया कहाँ पे सेल्स टीम में मार्केटिंग टीम में और धीरे धीरे जैसे आपका टीम बढ़ता रहा तैसे तो वैसे आपको एच भी जरूरत पड़ेगी ह्यूमन रिसोर्सेस जो बेसिकली देखेगा कि सबकी सैलरी मिल रही है कि नहीं छुट्टी कितना ले रहे हैं सारा ये जो एच पॉलिसीज है वो एच की टीम करेगी उसके अलावा आपको सोशल मीडिया में भी मार्केट मार्केटिंग के लिए भी एक टीम चाहिए होगी तो धीरे धीरे जैसे जैसे आपका स्टार्टअप बढ़ता रहेगा वैसे वैसे ये आपका स्ट्रक्चर भी उतने लोग आप रिक्रूट करने लगोगे अब कंट्रास्ट करते हैं टेरर ऑर्गेनाइजेशन और यहां पे मैं आईसीस का एग्जांपल लूंगी क्योंकि आईसीस पे सबसे ज्यादा एनालिसिस हुआ है ऐसे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पे तो आईसीस का जो प्रोडक्ट है वो है कैलिफेट बनाना ठीक है कैलिफेट बनाना का सबसे दैट वॉज द प्रोडक्ट उसके पीछे विजन क्या था विजन ये था कि एक ऐसा जगह एक ऐसा कैलिफेट बनाना है जहां पे द इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिलीजियस टेक्स दैट इज कुरान वुड बी अकॉर्डिंग टू देम और इस इंटरप्रिटेशन में सभी वेस्टर्नर्स वे सीन एज एन एनिमी ठीक है तो ये एक विजन आ गया कि एक कैलिफेट बनेगा और कैलिफेट में ये इंटरप्रिटेशन माना जाएगा अब इंटरप्रिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर हम इंटरप्रिटेशन पे नहीं देखेंगे तो कैलिफेट सस्टेन नहीं हो पाएगा इसीलिए लीडरशिप की के लिए वही हमें मानना पड़ेगा ठीक है तो विजन हो गया प्रोडक्ट रेडी हो गया अब चाहिए क्या फंडिंग अब क्या हुआ था जो आइसिस की ग्रुप थी जो ब्रेकअवे ग्रुप थी अलकायदा से वो धीरे धीरे सीरिया और इराक में ऑयल एंड गैस फील्ड को ऑक्यूपाई करने लगी और वहां से ब्लैक मार्केट में बेचने लगी ये ऑयल एंड गैस और वहां से फर्स्ट राउंड ऑफ इन्वेस्टमेंट आता है कैलिफेट को और धीरे धीरे जब कैलिफेट को ये जो आईसीस को पैसे आने लगते हैं तो वैसे वैसे दूसरे डिपार्टमेंट्स में लोग रिक्रूट होने लगते हैं तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट जो पिलर था आईसीस का वो था सोशल मीडिया मैनेजमेंट क्योंकि वहीं से ब्रेन वॉश करके लोगों को रिक्रूट किया जाता था पूरे दुनिया में सिर्फ सोशल मीडिया से ही तो आईसीस अपना बात कहता था कि आइए आप कैलिफेट ज्वाइन करिए और वैसे ही लोगों का ब्रेन वॉश करके यंग गर्ल्स यंग बॉयज 16, 17 ईयर ओल्ड गर्ल्स एंड बॉयज़ अपना घर छोड़ के यूके यूरोप के कितने कंट्रीज़ यूएस से सब जा रहे थे आईसिस ज्वाइन करने के लिए तो सोशल मीडिया का जो डिपार्टमेंट था वो बहुत है अच्छा अब जो वहां पर रिक्रूट कर रहा है बैठ के उसको तो सैलरी मिलनी चाहिए उनको तो कुछ ना कुछ कॉम्पेंसेशन देना चाहिए वापस आ जाते हैं फाइनेंस फाइनेंस डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट में तो को और पैसे चाहिए अब कैसे होगा तो यहां पे आईस ने क्या किया कि और ऑयल एंड गैस फील्ड्स को ऑक्यूपाई करने लगा सीरिया और इराक में उसके अलावा दूसरा चीज करने लगा किडनैपिंग और रैंसम तो किडनैप करके बोलते थे कि भैया इसको अगर आपको वापस ले जाना है तो इतना रैंसम आपको पे करना है तो धीरे धीरे ऐसे करते करते वो पैसा फंडिंग फ्लो करने लगा उसके बाद सोशल मीडिया मैनेजमेंट के बाद शुरू होती है मार्केटिंग और सेल्स ऑफ द प्रोडक्ट कि को या कैलिफेट को कैसे अट्रैक्टिव बनाया जाए ताकि और लोग इससे जुड़े और जब ये लोग आए अपने घर से तो कैलिफेट में दे ब्रिंग देयर ओन इन्वेस्टमेंट जैसे कि गोल्ड लेके आए कैश लेके आए और सारा का सारा परिवार आके जुड़ जाए इसके अलावा एक एचआर की भी टीम डिपार्टमेंट थी आईसीस में और एचआर का, का काम क्या था एचआर का काम था कि जो लोग नए रिक्रूटमेंट आ रहे हैं रिक्रूट आ रहे हैं उनके लिए घर उनका आ, सारा मोबाइल फोन चेक करना कि कोई कनेक्शन ना हो दूसरा इनका काम था कि भाई जो सिंगल सोल्जर्स मेल सोल्जर्स आ रहे थे लड़ने के लिए उनके लिए ब्राइड ढूंढना इसीलिए ब्राइड्स ऑफ आईसेस एक पूरा का पूरा एक कम्युनिटी था आईसीस के अंदर उसके अलावा जो नए बच्चे आ रहे हो रहे हैं या छोटे छोटे बच्चे थे उनका कैसे एडुकेशन होगा तो पूरा का पूरा, पूरा पॉलिसी संभालता था एच डिपार्टमेंट आईसिस में और यही था जो आईसिस को डिफर differ करता डिफरेंट बनाता था दूसरे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से और यही है रीज़न जिसका आज भी आइसिस का आइडियोलॉजी या विजन या प्रोडक्ट को ख़त्म नहीं कर पाया है आइसिस का टेरिटरी खत्म हो चुका है बट आज भी आईसिस रिवाइवल मोड में है और क्यों है क्योंकि प्रोडक्ट और विजन को कुछ नहीं हो पाया डिपार्टमेंट हट गई हैं इसी वजह से अगर आप देखते हो ऑल अदर टेरर ऑर्गेनाइजेशन हैव स्टार्टेड दर्गेनाइजेशन है आईसिस मॉडल दे हैव स्टार्टेड बिकमिंग सो हाल ही में एक रिपोर्ट भी आया था जहां पे ये डिस्कस किया गया है कि कैसे इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को फंडिंग मिलती है जैसे मैंने कहा है कि कोई भी प्रोडक्ट या विजन को बेचने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या है फाइनेंस तो ये फाइनेंसिंग ट्रेल्स पे ये रिपोर्ट आई है और ये कहा गया है कि अगर हम आईसेस की बात करते हैं 2015 की आईसीस की बात करते हैं तो वहाँ पे आईसेस का एनुअल टर्नओवर वाज अराउंड टू टू थ्री बिलियन डॉल ये कहां से आ रहा था पैसा वो बेसिकली ऑयल और गैस फील्ड जो इराक और सीरिया में उन्होंने कैप्चर किया था वो ब्लैक मार्केट ब्लैक मार्केट में बेच के उनको पैसा मिल रहा था दूसरी तरह की से ऐसे मिल रहा था कि लोगों को किडनेप करके वो रैनसमिंग कर रहे थे मतलब किसी को पकड़ के बोलते थे कि इनकी आजादी के लिए इतना रकम आपको देना पड़ेगा तो रैनसमिंग के थ्रू वो लोग सेकेंड सोर्स ऑफ फंडिंग खोल के रखे थे और तीसरा था जो भी नए रिक्रूट आ रहे थे उनको ये बोला जा रहा था कि आप अपने घर से जितना हो पाए कैश ज्वेलरी जो भी है आप वो सब लेके आओ अब इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कई और ऑर्गेनाइजेशन हैं जैसे कि हमास जो इंटरनेशनल एड गाजा में आती है वो ये डाइवर्ट करके ले लेते हैं टू ब्रिंग आर्म्स एंड एम्यूनेशन तालिबान जो ओपियम बेच के ड्रग्स बेसिकली बेच के ब्लैक मार्केट में बेच के अपना फाइनेंसिंग करते हैं ड्रग कार्टल्स इन कोलंबिया ऑफ़ कोर्स ड्रग्स को बेच के करते हैं बोको हराम इलीगल आर्म्स को बेच के करते हैं तो ये सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अभी धीरे धीरे दे हैव फाइंड दे हैव फाउंड एवेन्यूज फॉर फाइनेंसिंग फर्स्ट सेकेंड राउंड थर्ड राउंड जैसे एक स्टार्टअप में होता है वैसे ही टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में आजकल होने लगा है और इसीलिए ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि जब कोई स्टेट टेरर ऑर्गेनाइजेशन दैट इज़ अ नॉन स्टेट एक्टर के साथ फ़ाइट करता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले फाइनेंसिंग को रोका जाए क्योंकि फाइनेंस को नहीं रोकोगे तो प्रोडक्ट और विजन इतना लेजिटिमेट है इतना अट्रैक्टिव है लोगों के लिए कि वो हमेशा फाइट के बाद भी कंटिन्यू करेगा फॉर एग्जाम्पल आज के दिन इसराइल ने हमास के अगेंस्ट में इतना बड़ा वॉर कर रहा है पूरा गाजा पे कार्पेट बॉम्बिंग चल रही है हमास कुछ साल के लिए हार तो जाएगा बट प्रोडक्ट और विजन के वजह से वो वापस आएगा और मेबी जो फाइनेंसिंग एवेन्यूज हैं वो फिर से इसी चीज को रिवाइवल के लिए हेल्प करेंगे तालिबान का भी रिवाइवल ऐसे ही हुआ है आईसिस का रिवाइवल भी ऐसे ही हो रहा है तो स्टेट्स को इंटरनेशनली हैव टू स्टॉप फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इसके अलावा टेररिज्म को फाइट नहीं कर सकते हैं इसके साथ ये डिस्कशन खत्म करते हैं थैंक यू स्टडी आई क्यू आई एस अब तैयारी हुई affordable.